माता वैष्णो देवी के पावन नगरी में आपका स्वागत है। साचे दरबार की जय। तो गाइस वो है आपका अर्थ कुमारी, जहाँ पे हमें चढ़ाई करनी है उस पहाड़ पे। अभी कोई वैष्णो देवी आए पहले रजिस्ट्रेशन कराए और इस कार्ड को बहुत ज्यादा संभाल के रखे, ठीक है, और फिर आप दर्शन कर पाओगे और माता का आशीर्वाद भी ले पाओगे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और मैं लेके आ चुका हूँ धमाकेदार व्लॉग गाइस। और गाइस हमारा बन चुका है एक और न्यू जर्नी का प्लान, और भैया कंबल लेके जा रहे हैं और बैग वैग पूरा सेट कर लिया है, तो आपका भाई कोई लंबी राइड में जा रहा है। तो भैया माता रानी का हमें न्योता आ चुका है और वैष्णो माँ ने हमें बुला लिया है अपने घर पे, तो माता के द्वार चलते हैं और दर्शन करके आते हैं माता रानी के कटरा की ओर, और चलते हैं जल्दी से ट्रेन में। और गाइस अभी कितने बज रहे, अभी 4:30 बज रहे हैं और हमारी 6 बजे की ट्रेन है हेमकुंड एक्सप्रेस, जो 6 बजे के करीब चलती है हरिद्वार से और सुबह के 7 बजे के करीब पहुंचाएगी कटरा स्टेशन। तो जल्दी से हम चलते हैं रेडियो के और भैया के साथ हम चल रहे हैं। भाई राम राम, ये लो भाई जय माता दी। चलो भैया अभी हम आए अपने भाभी जी के पास और यहाँ पे चल रही है हमारे लिए पैकिंग पूरी कर लेते हैं फिर चलते हैं, जय माता दी कर रहे हैं। यहाँ पापा जी अपनी बिटिया रानी को बाय बाय करते हुए, भाई बाय 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 बाय। और ये लो भैया हम बैग पैक करके चल दिए, चलो भाई चलो। तो भैया यहाँ पे पुली बन के चल रहे हैं। और गाइस यहाँ पे लोंडल आ रहे को सबको इकट्ठा करना ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। ओ भाई तो गाइस यहाँ पे थोड़े काम धंधे और दिहाड़ी करने वाले लोंडे को तो थोड़ा ज्यादा ही और वो करना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, तनख्वाह लिए दिहाड़ी हो रही है। ओ भाई तो गाइस हम तीनों लोंडे तैयार है, अभी एक लोंडा और मिलेगा, तो चारों लोंडे जय माता दी करके चलते हैं अपना अपनी जर्नी की ओर। तो गाइस बस चलने वाले हैं और 6:30 बजे की ठीक ट्रेन है और 1 घंटा शेष रह गया है, बस निकल रहे हैं और जय माता दी करते जाएंगे। अभी लेने बाकी है। ओ भाई तो भैया हैवी वेटेज करके लेके चलेंगे, खाने पीने का पूरा इंतजाम। ट्रेन ले लो भाई। अबे यार पहले ट्रेन ले लो, जल्दी चलो। जय माता दी क्या बात। और गाइस आप देख रहे हो भैया ई रिक्शा को भी बिल्कुल फुल कर दिया, मतलब कितने बंदे बैठे, 4, 2, 6, 2, 1, 7 10 रुपए सवारी। आगे भैया हमारे भोले बाबा, हर हर महादेव। यहाँ पे हमने अपने सर को भी कुली बना दिया भाई, वाह ये कर रहे हैं असली काम भाई, 3-3 बैग ढोड़ो के चल रहे। सही है वेल डन गुड जॉब, जय माता दी। चलो भाई चलो भैया 4-4 बैग लेके घूम रहे भाई, वाह ये देखो। के साथ हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हरिद्वार जंक्शन पे। भाई यार ये कौन से रास्ते ले आ रहे बार बार, भाई यार गलत प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे भैया हमें, और यहाँ पे इतने भारी भारी बैग ढोके ले आना तो और भी मोहरत काम है। चलो भाई चलो यार इन्हें तो कुछ ज्यादा ही बैग पकड़ा रखे, 3-3 बैग लेके चल रहे। चलो अरे यही तो प्लेटफॉर्म है अपना, भैया सारे जवान लोंडे अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और फिर चलते हैं जल्दी से। भैया बैग बहुत हो रहे हैं सर्दी में, यही सबसे बड़ा चक्कर है कि सामान बहुत हो जाता है अपने पास। भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन है और बस जल्दी भागे जा रहे हैं भैया सामान लेके, ठीक है तो लेट्स गो, चल रहे हैं जल्दी से वैष्णो देवी के लिए, जो ट्रेन जाती है हेमकुंड एक्सप्रेस जाती है और वो आने वाली है बस। भैया अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिद्वार से अपना वैष्णो देवी 600 किलोमीटर पड़ता है और ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे हमें ट्रेन से जाने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए अभी 6:30 बजे ट्रेन है और सुबह के 7 बजे के अराउंड में पहुंचा देंगे, ठीक है। और बाकी हम आ चुके हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हरिद्वार जंक्शन, जहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे कटरा के लिए, ठीक है चलो। और अपने लोंडे ला रहे सारे वहाँ पे हैं, सबका हिसाब किताब चल रहा है भैया, ठीक है जाने से पहले, ठीक है। ये आ चुकी है अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस, भैया अपने टाइम पे आ रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट शार्प टाइम पे, ये आ गई हेमकुंड एक्सप्रेस, ये चेक करो तैयार है भैया। बोला साचा ज्योता वाली माता तेरी, क्या बात है। ये जा रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ऋषिकेश से चलती है और कटरा तक जाती है पूरी, ये देखो तो 600 किलोमीटर पूरी ये ट्रेन चलेगी। तो अभी 7:45 बज रहे हैं और बस चलने ही वाली है और अपना ये वाला कोच है, चलो करते हैं अब अपने हरिद्वार जंक्शन को बाय बाय। चलो भैया मिलते हैं 2 दिन के बाद, ये लो
ये गया अपना हरिद्वार जंक्शन, ये अपनी पूरी सीट, ठीक है, और सारे लौंडे विराजमान हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास, क्या बात है। तो भैया मौसम होने वाला है पूरा सर्दी वाला, तो थोड़ी देर ही हम यहाँ खड़े रहेंगे, उसके बाद तो अंदर चल लेंगे और अंदर चुपचाप होके बैठेंगे, ठीक है। और अभी तो चले जा रहे हैं यार, अपनी सिटी को छोड़ते हुए अजीब लगेगा, बट कोई बात नहीं, माता वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं तो मजे ही आने वाले हैं और माता के दर्शन होंगे। तो बोलो जय माता दी, और पूरी ये सीरीज देखना आप हमारी जर्नी की, बहुत इंजॉय करेंगे और माता के दर्शन तो करेंगे। जाने से पहले आने की टेंशन होगी भैया। चलो भैया यहाँ पे चिप्स चल रहे और टेंशन फ्री चल रहे हैं। चलो जय माता दी। हाँ भैया, 40 का बत्ता दाल आ चुकी है, 40 का बत्ता अभी आ चुके हैं यहाँ पे, चने की दाल जो कि ट्रेन में बहुत ज्यादा फेमस है भैया। है यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बन रहे भाई साहब, भैया आराम से। अरे बाबा, ये अपना आ गया यहाँ पे सहारनपुर, वैसे आपको दिख कुछ नहीं रहा होगा पर मैं आपको वैसे बता रहा, सहारनपुर आ गया भैया। सर्दियों में बस एक ही चीज की परेशानी होती है कि भैया रात में कुछ नहीं दिखता और बहुत जल्दी रात हो जाती है, कि 6:30 बजे करीब पूरा अंधेरा हो गया और तब से हम अंधेरे में ही घूम रहे हैं ट्रेन में, है। पर कोई बात नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है और अभी तक कोहरा नहीं आ रहा तो सब सही है। मीटिंग चल रही है भैया पहले कल के लिए जो ट्रैक होना है ना, और 18 किलोमीटर के बीच में अर्धकुमारी भी पड़ता है जो कि 2-3 घंटे बाद आ जाता है, और उसके बाद बहुत सारी चीज आती है, बाणगंगा, पहले बाणगंगा, फिर चार पादुका, अच्छा, फिर अर्धकुमारी, अच्छा, फिर माता वैष्णो का धाम, फिर भैरोगढ़, अच्छा। तो भैया ये सच चुके अपनी प्लेट जो हम खा रहे हैं अपना ट्रेन में खाना है, देखो ट्रेन में चल रहा है अपना रात का डिनर, माता वैष्णो देवी जा रहे हैं ना इसीलिए तैयारी सब चीज का रखी भैया। देख लो तिल के लड्डू आ गए भाई, मुंह मिट्टा करने के लिए। इनमें सबसे बढ़िया टाइम पास करने की चीज होती है लूडो, तो भैया यहाँ के लूडो के दो महानतम खिलाड़ी बैठ चुके हैं खेलने के लिए, ठीक है, बाकी हम सब ताड़ रहे हैं आज ही। ओ भाई, यहाँ पे महफिल पूरी जमा रखी भैया, कम्बल वम्बल खुल गए क्योंकि सर्दी मान गए भैया, लोंडे ला रहे हैं। ये अपने स्लीपर क्लास की हालत अभी देख रहे हो, स्लीपर क्लास में सारे लोग इधर से उधर टाइटली फिकते हैं भाई, देख रहे हो हम खुद इधर बैठे थे इतने मुश्किल में, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पहुंचने वाले कटरा, पूरी रात काट दी हमने। एक था और सुबह उठे तो दो निकल गए भाई, वाह भाई, रात पता नहीं चला कब सो गए हैं कोई, अभी पता नहीं चला कौन कहाँ आके बैठेगा। भैया जूते चोरी ना हो जाए तो बंकों का पूरा इस्तेमाल, सर्दियों में सही इस्तेमाल उठाएगा भैया, जूते यहाँ रख दिए गए, लो बेटा चोर, हम चोर के भी बाप निकले हैं। भैया सुबह के 6:30 बज रहे हैं और भैया दिन निकलने पे आ नहीं रहा, सूर्यदेव अंकल जी पता नहीं कहाँ छुप कर रह गए। लो भैया सक्सेसफुली दिन निकल गया और हम पहुंच चुके जम्मू, और ये सामने है जम्मू का शहर या गांव हमें पता नहीं, पर हम जम्मू में ही हैं अभी फिलहाल। ये देखो सामने, सामने जो पहाड़ है ना, छोटे छोटे पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी एरिया है। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जम्मू के उधमपुर नगर में, और काफी सारी सवारियां यहाँ पे उतर रही हैं भैया, काफी सारे पैसेंजर, और ये अपनी ट्रेन इधर खड़ी है और ये इधर अपना कोच था। क्या सीन है? होटल 500 रुपए उधमपुर में, 500 रुपए होटल, चल भाई होटल। भैया 12 घंटे हमें इस ट्रेन में बैठे हुए हो गए, 7:15 बजे बैठे थे और 7:15 से भी ज्यादा ही हो गया टाइम, और अभी भी 20-25 मिनट लगेंगे कटरा पहुंचने में। ये गाइस सुबह के सुंदर नजारे ये चेक करो भाई, आखिरकार भाई साहब हमारे पहुंच गए हैं कटरे। लो भैया कटरा रेलवे स्टेशन आ चुका है, बहुत एंजॉय किया इनके साथ, अब हम जुदा जुदा हो जाएंगे। फाइनली 13 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कटरा रेलवे स्टेशन, ये देखो कटरा रेलवे स्टेशन, ये है अपना पूरा कटरा रेलवे स्टेशन, ये देखो, और भीड़ देखो कितनी, क्योंकि यही इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होता है, ये देखो। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी, क्या बात है, दरबार की जय, साचे दरबार की जय। चलो भैया अपना पूरा बैग का लोड लेके चल दिए सारे सारे, माता वैष्णो देवी के पावन नगरी में आपका स्वागत है। तो भाई वो है आपका अर्धकुमारी, जहाँ पे हमें चढ़ाई करनी है उस पहाड़ पे, ठीक है, बाकी अभी इधर से चले जा रहे हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए। देखो ये खड़ी है जम्मू एंड कश्मीर की बंकर वन गाड़ियाँ एकदम, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का थोड़ा इश्यूज रहते हैं, तो इसीलिए बहुत टाइट सिक्योरिटी है भैया, बहुत टाइट है एकदम, तो इन गाड़ी जहाँ पे भी अवेलेबल हो तो समझ लो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बाकी सूर्यदेव भगवान जी भी दर्शन दे दिए भाई।
कटरा में आके माता वैष्णो देवी के धाम यहाँ पे गर्मा गर्म अदरक व इलायची की गर्मा गर्म चाय पी जा रही है। भैया हमारे लिए चाय तैयार कर रहे हैं, मस्त गर्मा गर्म। ये देखो तो भैया होटल की तलाश में हम यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हैं कि अच्छा होटल मिले और अपनी जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी वहाँ से उसके नजदीक मिले। तो हमेशा जब भी आप आए तो जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है उसकी नजदीक ले, ठीक है? तो आपको आसानी पड़ेगी और जब उतरोगे तो इजीली पहुंच भी जाओगे, ठीक है? और जय माता दी। और आपके लिए जानकारी हम लेते रहेंगे बाकी। और ट्रेन का फेयर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, स्लीपर का तो 350-400 में पड़ जाता है, ठीक है? और एसी क्लास वाले तो भैया अपना देख लेना, वो 1000 तक का पड़ता है। और बाकी अब होटल का देखते हैं कि होटल कितना महंगा पड़ेगा और कितना सस्ता तक पड़ सकता है। हर दुकानों में यहाँ पे अखरोट और माता रानी का प्रसाद ये सब देखने में मिलेगा। ये देखो हर दुकान पे, देखो और हर दुकान पे आगे ये मिल रहा है सब जगह पे, माता का प्रसाद और अखरोट वगैरह ये सब चीजें। चलो भैया ये पूरा कटरा शहर है जहाँ पे हम चले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा शहर है, साफ सुथरा है काफी, देखो नीट एंड क्लीन, ये चेक करो। तो चल रहे धीरे धीरे हम। और ये देखो सामने भी यहाँ पे पूरी माता के प्रसाद की दुकान है, जय माँ सुपर मार्केट। और अपने लौंडे ला रहे हो, टीम पूरी आगे चले जा रही है, देखो बैग वैग घसीट के। तो भैया यात्रा में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लूटने वाले मिलेंगे, उनसे सावधान रहना और कुछ हमारे भैया जैसे समझदार आदमी के साथ आना, ठीक है? जो हमें रास्ता दिखाएंगे और लूटने से बचाएंगे और मंजिल पे भी बचाएंगे, ठीक है? क्योंकि भैया यात्रा में बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि आपका काम 100 रुपए में हो रहा होगा तो वो 500 रुपए में भी हो सकता है, बस बाकी आपकी समझदारी पे बात है, ठीक है? जो हमारे समझदार लोग चल रहे हैं यहाँ पे, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फुहारा चौक, ठीक है? तिराया सा है, तिराया नहीं सॉरी चौराया सा है। और अभी हम पीछे जा रहे हैं यहाँ से और ये फुहारा चौक कह रहा, ये देखो भाई कहाँ है फुहारा। चलो भाई चलो। तो भैया इस टाइम सीजन काफी पीक पे है और यात्री काफी आ रहे हैं, देख लो काफी अच्छी भीड़ है, ये देखो तो भीड़ काफी। और बस अब आगे सामने से ट्रैकिंग चालू हो जाएगी उधर से, वो देखो ये देखो पूरा मार्केट यहाँ का। और ये फुहारा चौक भैया, जय माता दी। रूम लेना है तो मिल जाएगा भैया, बस अभी चल रहे आगे। ये आ चुके हैं हम अपनी लाइन में, जो माता की यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर है ना, यहाँ पे हमारा टिकट काटेगा, है ना? टिकट काटा जाएगा ना, ये देखो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर यात्रा, ये देखो। चलो भाई फाइनली वेट करने के बाद हमें आ चुका है रजिस्ट्रेशन माता के दरबार के दर्शन करने के लिए। और लो भैया माता की चुन्नी ले ली है, जय माता दी नाम लिखे हुए, और अपने यहाँ पे थोड़ा सा सनग्लासेस ले रहे हैं और फिर जय माता दी करते हैं और होटल लेते हैं और फिर सीधा करते हैं ट्रैकिंग। भैया आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो पैसे नहीं लगते, बट आपको लाइन में लग के ये लेना पड़ता है कार्ड, ठीक है? फिर ही मिलता है आपको, वरना तो आप एंट्री नहीं कर सकते और दर्शन नहीं हो पाएंगे अगर ये नहीं होने का। तो बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं होते, तो पहले आप वैष्णो देवी आ रहे तो रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद ट्रैकिंग चालू करें, ठीक है? विद प्रॉपर सामान। तो चल रहे हैं अभी ऊपर, अभी हम होटल लेंगे, होटल में स्टे करेंगे, फिर जो जरूरत की चीजें होंगी वो ऊपर लेके चलेंगे, बाकी कम्बल वम्बल सब कुछ नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि ज्यादा 18 किलोमीटर है भैया, ज्यादा सामान के साथ करना सही नहीं है, है ना? थकेंगे भी मतलब में। बाकी यहाँ पे कम से कम होता लेके आओ, हाँ, और चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा लेके आना जिससे आपका स्टेमिना बना रहे ट्रैकिंग करते टाइम, चटाई करते टाइम, ठीक है? बाकी स्टिंग विस्टिंग जो भी आपके एनर्जी बूस्टर हो ले लेना। और अभी हम होटल की ओर बढ़ रहे हैं। कितनी सुंदर है यहाँ पे शॉप है, जय माता दी, जय माता दी। और बस हम जहाँ से ट्रैकिंग होगी ना स्टार्ट वहीं की ओर बढ़ रहे हैं। तो भैया ये आ चुके हैं अपने होटल की छत पे और भैया सामने है यहाँ पे जहाँ से चढ़ाई होके ऊपर जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं और गाइज होटल आपको मैं बता दूं, होटल 800-900 रुपए में आपको मिल जाएगा अगर आप 6-7 बंदे हो, बाकी 2 बंदे हो तो तब भी 600 रुपए तो कम से कम है ही। तो बाकी आपको सामने का नज़ारा दिखाते हैं, देखो ये पूरा कटरा शहर है और जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है सामने से, देखो सामने से वहाँ चढ़ाई होती है ऊपर जाके, और इस पार्ट को क्रॉस करके फिर आएगा हमारा माता वैष्णो देवी का टेम्पल। तो ये पूरा मेन रोड है जो ऊपर जा रहा है, ये देखिए